एनसीईआरटी कक्षा 12 अध्याय संख्या 6 के दूसरे पार्ट के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे भक्ति परंपरा के बारे में, यानी उपासना की जो कविताएं और प्रारंभिक जो भक्ति परंपरा है उस परंपरा को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तमिलनाडु के जो अलवार और नैनार संतों ने किस तरीके से जो प्रारंभिक जो भक्ति परंपरा उसको प्रारंभ किया, उनका जो अलवार और नैनार जो संत थे उनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरुष अलवार और नैनार संत हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्त्री अलवार और नैनार संत हुए, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से आज के इस पाठ के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ में आने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर भी मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देने का प्रयास करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर भक्ति क्या है। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। कौन सी? भज धातु से, जिसका अर्थ होता सेवा करना या भजना। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भक्ति का मतलब ये होता है कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जो अपना इष्ट होता उस देव में क्या रखना, आसक्ति रखना, वही क्या है भक्ति कहलाती है। और अब इस आसक्ति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नज़रिए से समझा और उन्होंने अलग अलग नज़रिए से अपने इष्ट देव के प्रति जो श्रद्धा है और उसको क्या किया, परम पूर्वक तरीके से रखने का काम किया। तो वही हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे। तो आराधना के तरीकों के कर्मिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। अब देखो था क्या, ये क्यों गठित हुए, क्यों समर्थाएँ बने इतने, इन संप्रदायों का कारण क्या था। तो सभी लोगों का जैसे एक आध्यात्मिक नज़रिया था मोक्ष की प्राप्ति करना। कैसी प्राप्ति करना? मोक्ष की। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। जो अलग अलग जन्म मिलते हैं जिसके अंदर जीव कष्ट भी प्राप्त करता, जैसे हिंदू धर्म में माना गया 84 लाख प्रकार की योनियाँ, तो हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय उनमें भी ये माना गया। बौद्ध धर्म के अंदर भी हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म के अंदर भी इस जीवन को दुखमय माना गया और जैन धर्म में भी यही बात थी। और कैसे भी शरीर को कष्ट पहुंचाकर या फिर किसी भी तरीके से कठिन रास्ता अपनाकर भी क्या किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति की जाए, यानी जो जो भी अपने इष्ट वगैरह की थी उनको प्राप्त किया जाए और फिर जो संसार के अंदर आवागमन नहीं हो, फिर से जन्म मरण के अंदर जीव नहीं पड़े, तो उसी को ही क्या कहते हैं, हम मोक्ष के नाम से जानते। और इसी मोक्ष प्राप्ति को जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो जो जैसे कहा जाता है कि दीपक की लो का जो बुझ जाना, तो ऐसे अलग अलग तरीके के मानेंगे। तो इसकी परंपराएं भी हमें अलग अलग तरीके को देखने को मिलती है, उन सभी को हम धीरे धीरे आगे चलेंगे तब डिस्कस करने का काम करेंगे। अब देखो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, जैसे एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो तीसरा जो भक्ति मार्ग है उसके बारे में भी हम सबसे ज़्यादा डिस्कस इस पार्ट के अंदर करने वाले। तो उसमें भक्ति मार्ग को मानने वाले जो लोग थे उनको भक्त जनों के नाम से, जो किस में श्रद्धा रखते थे, अपने एक संत या कवि, यानी जो अपना गुरु जिसको हम गुरु कह सकते हैं, तो जो गुरु परंपरा के अंदर जो क्या करते विश्वास रखने वाले थे, तो उससे पूरे समुदाय का गठन हो गया। मतलब जैसे हम देखते दादू पंथ हो गया, जसनाथी पंथ हो गया या विष्णु संप्रदाय हो गया, तो ऐसे जैसे जाम्बोजी थे तो उनके मानने वाले, उन्होंने जो 29 नियम बताए उन नियमों को फॉलो करने वाले लोगों का एक विष्णुई संप्रदाय बन गया। वैसे हम जसनाथ जी देखते तो जसनाथ जी के जो नियमों को मानने वाले का एक पूरा अलग ही समुदाय बन गया, जसनाथी समुदाय। वैसे दादू पंथी जो दादू के पंथ को मानने, यानी जो दादू के जो प्रवचन थे उनके वचनों को मानने वाले लोगों का एक अलग ही समुदाय बन गया, जिसे हम दादू पंथ के नाम से जानते हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि बहुत सी जो भक्ति परंपराएं हैं उन परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच में क्या बन गए, बिचौलिए। बिचौलिए का मतलब यहाँ पर होता है मीडिएटर बन गए। क्या बन गए? मीडिएटर बन गए। या फिर वैसे बिचौलिए का मतलब जैसे ब्रोकर हम कहते हैं, वो ब्रोकर नहीं होकर के यहाँ मीडिएटर, मतलब हम कह सकते हैं वो मध्यस्थ के रूप में बन गए। यानी जो देवताओं तक जो भी हवन या यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भी अर्पण करना था, तो इन्हें ब्राह्मण लोग क्या करते थे, मंत्रों के माध्यम से या यज्ञ के अंदर जो मंत्रों के द्वारा आहुति दे करके जो भक्त जन थे उनके जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा को या उनके द्वारा जो अर्पित प्रसाद होता था उसको देवताओं तक का
पहुंचाने का क्या करते थे, कार्य करते थे। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत स्थान दे दिया। यानी प्रारंभ के अंदर जो क्या था, जैसे ब्राह्मणीय जो हम देखते ब्राह्मण धर्म के अंदर जो हमने वैदिक काल या उससे पहले देखते, तो उसमें स्त्रियों को और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको तो वेदों का पढ़ने का क्या, उनको सुनने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन जो नवीन प्रकार की जो विचारधारा आई उसमें इन स्त्रियों और निम्न वर्ण के लोगों को स्थान दिया गया, यानी उनको भी स्वीकृति दी गई। वो भी जो भजन कर सकते हैं, वो भी भक्ति कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मरण के चक्र से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता थी विविधता। विविधता का मतलब ऐसे होता है कि बहुत मतलब बहुपक्षीय होना, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं हमें देखने को मिलती है। कोई शैव धर्म को मानता है तो कोई वैष्णव को देवता मानता है, तो कोई देवी की आराधना करता, कोई जैन धर्म की आराधना करता, कोई बौद्ध धर्म की आराधना करता, और इन सभी आराधनाओं के अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार देखने को मिलता है। यानी एक तरीके का उनमें सभी अलग अलग होते हुए भी उनमें क्या करता, हमें सामंजस्य देखने को मिलता है। उनमें जैसे क्षेत्रीय है, भाषाई है, या फिर भौगोलिक है, या सांस्कृतिक रूप से वो अलग अलग होते हुए भी उसमें एकता और सामंजस्य की भावना का पाया जाना। अगला हम देखते हैं कि दूसरे स्तर पर हमें क्या देखा गया। पहले स्तर पर तो ब्राह्मणीय परंपरा थी, जो हमने यहाँ पर देख लिया कि पहले स्तर पर कौन थे, जो ब्राह्मण क्या थे, वो उन्होंने देवताओं और जो भक्तजनों के बीच में क्या किया, बिचौलिए का काम करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरे स्तर पर धर्म के क्या थे, इतिहासकार जो भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्णों में बांटते वर्गों में बांटते हैं, और पहला है सगुण यानी विशेषण सहित, और दूसरा निर्गुण यानी विशेषण विहीन। अब देखो सगुण का मतलब होता है आकार रूप में, ये जो सगुण के जो मानने वाले लोग हैं वो भगवान की आकार रूप में कल्पना करते हैं, यानी उसकी मूर्ति के रूप में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, और उसकी मूर्ति के रूप में उसकी क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किसकी, भगवान की, यानी उसको एक आकार में मानते और उसकी भाव में जैसे राम है, कृष्ण है, उनकी आराधना करते हैं, या किसी देवी के रूप में आराधना करते हैं, फिर उनको प्राप्त करके उन्हीं के साथ में वो क्या हो जाते, लीन हो जाते। तो इस तरीके की सगुण पूजा वाले, और दूसरे होते निर्गुण, ये भगवान को निराकार मानते, यानी उसका कोई आकार नहीं है, उस भगवान का क्या है, कोई आकार नहीं है। और वो कैसा है, वो एक कणकण में व्याप्त है। कैसे, वो कणकण में व्याप्त है, हर जगह वो व्याप्त है ना, तो हर जीव में व्याप्त है, चाहे वो जीव मनुष्य हो, छोटा बड़ा, पेड़ पौधे, सबके अंदर वो क्या है, व्याप्त है। तो ऐसे लोग जो क्या है, मूर्ति की पूजा नहीं करते, नहीं मूर्ति में क्या करते, अपना विश्वास व्यक्त करते, यानी एक तो विशेषण देते उसको मूर्ति के रूप में, या उसको मूर्त रूप में आया हुआ मानते, जैसे राम कृष्ण रूप में उनकी पूजा पद्धति करते, और दूसरे निर्गुण रूप में, यानी जो भगवान को आकार के रूप में नहीं बजते हैं। तो जैसे प्रथम वर्ग के अंदर कौन सी की बात हो रही, सगुण के अंदर, जैसे शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं ना, शिव के हमने पूर्व वाले वीडियो के अंदर देखा, उनके अवतारों की, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, विष्णु के भी अलग अलग अवतार, उनके रूपों की वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और जो देवी परंपरा के अंदर, उसके भी पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, जो विभिन्न प्रकार की देवी, उनकी पूजा पद्धतियाँ करते हैं, उनकी मूर्त रूप में मतलब मूर्ति के रूप में उनकी कल्पना करते हैं, और उनकी क्या करते हैं, जो भक्ति करते हैं या पूजा पद्धति जो भी उपासना करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा वाले क्या करते हैं, अमूर्त रूप से, यानी उसकी कोई मूर्ति रूप में कल्पना नहीं करते, उसकी निराकार ईश्वर की क्या करते हैं, वो उपासना करते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और कई सारी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती तुरंत आप कमेंट करके बता दीजिए, अगले वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, और भी आपके सुधारों को जो सुझाव है उस सुझावों को सम्मिलित करते हुए कुछ सुधार किए जाएंगे। अगला इसमें हम देखेंगे तमिलनाडु के अलवार और नेनार संत। अब देखो अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार का मतलब जो विष्णु की पूजा करने वाले, यानी जो विष्णु भगवान है उसकी क्या करते हैं, पूजा करने वाले, विष्णु जो भक्ति में तन्मय रहने वाले को हम क्या कहते हैं, अलवार के नाम से, और नेनार जो शिव के भक्त उसको नेनार। इनकी संख्या कितनी है, 63 मानी जाती है। तो प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन जो लगभग 6वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, प्रारंभ होता है, ये जो महाकाव्य काल था उसी समय से हम देखते हैं, उस समय में अलवारों और नेनारों के नेतृत्व में प्रारंभ
होता है और कहाँ से, दक्षिण के जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ से ये परंपरा क्या होती है, प्रारंभ होती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति के क्या करते थे, भजन गाते थे, और वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोगों के बीच में अपने इष्ट की स्तुति के भजन गाते हुए उनके अंदर जो, जैसे अलवार लोग विष्णु की भक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहे थे, तो जो नैनार लोग हैं वो शिव की भक्ति को क्या करते थे, लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रहे थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्टों के क्या के अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। जैसे हम देखते हैं कुछ दक्षिण भारत के अंदर, वैसे हम देखते हैं जैसे हनुमान जी का कहाँ जन्म हुआ, तो वो पर्वत के रूप में आप देखते हैं वर्तमान के अंदर जो आंध्र प्रदेश इन राज्यों के बीच में विवाद भी हमें देखने को मिला था, तो उनका हालांकि बाद के अंदर एक कमेटी बनी थी द आर्मी कमेटी, उन्होंने इसका स्थान निश्चित कर दिया। तो ऐसे ही कुछ जो इष्ट थे उनके निवास, जो उनके निवास की यानी उनका भगवान वहाँ पर कहाँ रहता, आगे हम देखेंगे वो आ भी जाएगा, हम इसके बारे में हम स्पष्ट भी कर देंगे कि आखिर उनके कौन कौन से निवास स्थान उन लोगों ने निश्चित कर दिए थे। जैसे कृष्ण से देखते तो मथुरा को मान लिया गया उनका निवास स्थान, द्वारिका को मान लिया गया, तो ऐसे ही अलग अलग स्थान अपने इष्ट के मान लिए गए कि वो उन स्थानों से क्या है, संबंधित है। इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया, और वो उनके मानने वाले जो अनुयायी उनके लिए क्या बन गए, तीर्थ स्थल बन गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय क्या किया जाता, गाया जाता। जैसा दक्षिण भारत के अंदर आज भी आप देख सकते हो, दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों के अंदर जब भी अनुष्ठान होता है तो इन जो संत कवि है उनके भजनों को आज भी गाया जाता है, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा यानी इनकी भी मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा, यानी जो मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के साथ साथ जो संत और कवि थे उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई और उनकी प्रतिमा की पूजा की जाने लगी। अब हम देखेंगे इसका दूसरा जो सब पॉइंट है कि जाति के प्रति जो अलवार और जो नैनार संत थे उनका क्या दृष्टिकोण यानी क्या नजरिया था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और जो नैनार संतों ने जाति प्रथा वो ब्राह्मणों की प्रभुता, यानी जो ब्राह्मणों की प्रभुता का मतलब जो समाज के अंदर ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसके विरोध में आवाज उठाई। जैसा कि ऊपर के अंदर हमने एक देखा था कि ब्राह्मण क्या करते थे, बिचौलिए का कार्य करते थे, जो देवताओं और भक्तजन के बीच में बिचौलिए का काम करने के कारण उन्होंने क्या कर दिया, समाज के अंदर उन्होंने अपनी प्रभुता यानी अपना एक तरीके से राज कायम कर लिया, और जो भक्त लोग थे उनको जो भगवान से क्या कर लिया, दूर ही कर दिया था, और जो भक्ति के अंदर जो परंपरा के अंदर काफ़ी विकृति ला दी थी। तो इस विकृति के कारण इन जो अलवार और नैनार संतों ने क्या किया, उन ब्राह्मणों की जो प्रभुता उनके शासन का क्या किया, विरोध किया, यानी उन्होंने कहा था कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। कुछ हद तक ये बात सत्य भी प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, मतलब अलग अलग समुदाय से थे, जबकि ब्राह्मण लोग तो क्या करते थे, सिर्फ कहते थे भगवान की प्राप्ति तो ब्राह्मण ही कर सकते, बाकी लोग तो वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी लोगों को भगवान तक पहुंचने से पहले ब्राह्मणों को बिचौलिया बनाना पड़ेगा। तो जबकि इन लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, और इनके समुदाय कौन से, जैसे कुछ संत ब्राह्मण भी थे, कुछ शिल्पकार का काम करने वाले, कुछ किसान थे, तो कुछ तो उन जातियों से जिन्हें अस्पृश्य माना जाता, ब्राह्मणीय परंपराओं में उनको अनटचेबिलिटी, उनको तो समाज से अलग हिस्से से कर दिया गया, और ऐसे लोगों का भगवान के मंदिरों में घुसने ये नहीं देते थे, और तो उनकी भगवान तक पूजा भी ये नहीं पहुँचाते थे। बाकी लोगों के लिए चलो उच्च वर्ग के लिए थी, मध्यस्थ का काम करते थे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, तो इनके लिए तो ब्राह्मण लोग बिचौलिए बनने को भी क्या थे, तैयार नहीं थे। अलवार और नैनार संतों की चुनावों में वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर उस परंपरा को सम्मानित किया गया। अब आगे उदाहरण देखेंगे जैसे अलवार संतों का, यानी जो सभी अलवार जो संत थे उन अलवार संतों का क्या किया लिया गया संत, जैसे कितना था हमने देखा था 12 अलवार संत थे, तो 12 जो भी अलवार संत थे उन्होंने जो भी गीत वगैरह गाए, उन सब ने जो भी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं का एक संकलन कर दिया, एक उनके जो काव्य थे उन काव्यों का एक ग्रंथ में संकलन कर दिया। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है नल यीरा दिव्यम प्रबंध, इस ग्रंथ के अंदर सम्मिलित। ये किसने, जो 12 अलवार संत थे उनका जो काव्य संकलन है का वर्णन तमिल के वेद के रूप में किया जाता। इस तरीके का इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों, चार वेद कौन से आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीके से जो ब्राह्मणों की प्रभुता का यहाँ विरोध किया गया, और जो ब्राह्मणीय जो भक्ति परंपरा थी उससे हट करके यहाँ पर प्रयास किया गया, और यहाँ पर इस बात को मत किया गया कि स्त्रियाँ हो चाहे अस्पृश्य जाति यानी कोई भी हो,
जो स्त्री पुरुष कोई भी हो उसमें कोई भेदभाव नहीं है और वो ईश्वर की क्या कर सकता है, आराधना कर सकता है। तो नई तरीके की एक जो हमें यहाँ पर परंपरा देखने को मिलती है। अब यहाँ एक स्रोत को हम देखेंगे जो चतुर्वेदी यानी चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य के बारे में एक बात। देखो यहाँ पर पहले तो इसको समझना होगा। अब देखो ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। अब जो अलग अलग जैसे चतुर्वेदी किसको कहते, जो चारों वेदों को जानता हो उसको चतुर्वेदी, जो तीन वेदों को जानता हो उसको त्रिवेदी, और जो दो वेदों को जानता उसे द्विवेदी। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग अपनी परंपरा बना दी। तो यहाँ पर जो चार वेदों को जानने वाला था, ज्ञाता का मतलब जो जानने वाला ब्राह्मण था, और अस्पृश्य उसके बारे में किसका क्या नजरिया, उसका एक उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण दिया गया है तोद्राडी पोडी नामक एक जो ब्राह्मण अलवार संत यानी जो वैष्णव संत है उनके काव्य में। और उन्होंने किस तरीके से लिया, जो उसने लिखा चतुर्वेदी जो अजनबी हैं यानी वो कुछ जानता भी नहीं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते। ये कहता है कि जो चतुर्वेदी है वो अजनबी भी होता है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा किसको कह रहा है, वो भगवान को कह रहा है, भगवान विष्णु को कह रहा है। चतुर्वेदी तो अजनबी, वो आपके बारे में जानता ही नहीं है और आपकी सेवा के प्रति वो निष्ठा भाव से नहीं रखता, वो तो अपनी कमाई के लिए रखता है, अपना गुजारा करने के लिए। उसने तो क्या बना दिया, इसको व्यवसाय बना दिया, अपने व्यवसाय के लिए ही वो सिर्फ दिखावे के रूप में ही क्या करता है आपकी जो सेवा वगैरह करता है, बल्कि वो निष्ठा से यानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा या भक्ति से वो आपकी जो सेवा नहीं करता, उससे भी ज़्यादा आप यानी भगवान विष्णु को कह रहा है उन दासों को पसंद करते जो आपके चरणों के प्रति प्रेम रखते, जो हर दिल से आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे हो। यानी किसके बारे में बात हो रही है, और इस स्पर्श के बारे में। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर एक उदाहरण देखते हैं जो नामदेव जी थे। तो एक बार जो पंडरपुर के अंदर जब भक्ति हो रही थी तो वहाँ पर ब्राह्मण लोग जब शाम के समय क्या करते थे, कीर्तन, वो भी जो भी आरती वगैरह होती थी तो कर रहे होते थे। तो नामदेव जी जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो पहले तो उनको रोक टोक दिया गया, नहीं घुसने। फिर भी अगर वो किसी तरीके से वहां जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको क्या कर दिया, उनको ब्राह्मण लोगों ने उठा करके क्या कर दिया, मंदिर के पिछवाड़े फेंक दिया, यानी मंदिर के पीछे के हिस्से की तरफ फेंक दिया। लेकिन भगवान के अंदर उनकी इतनी भक्ति थी कि भगवान ने उस मंदिर का द्वार ही जो भक्त नामदेव की तरफ घुमा दिया था, और जो ब्राह्मण लोग जो आरती कर रहे थे वो मंदिर के पीछे वाला भाग हो गया था। तो इस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था पर यहाँ पर क्या किया गया, प्रहार किया गया था। आगे हम देखेंगे अब स्त्री संत जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य के अंदर जो स्त्री यानी जो महिलाओं को क्या किया था, भक्ति के अंदर शामिल नहीं किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मणीय परंपरा से हटकर यहाँ पर स्त्रियाँ भी क्या हुई, नैनार और अलवारों के अंदर संत हुई और उन्होंने अपने इष्ट की क्या की, आराधना की। संभवत इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता कि इसमें स्त्रियों की उपस्थिति जो ब्राह्मणीय परंपरा में नहीं हुआ करते। उदाहरण एक महत्वपूर्ण थी अडाल, अंडाल कहो या इसे हम अडाल के नाम से जानते, नामक स्त्री अलवार थी, अलवार जो संत थी उसने भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते और आज भी गाए जाते हैं उनके। अडाल समय को विष्णु की प्रेसी मानकर उनकी प्रेम भाव को चंदों में व्यक्त करती थी, जैसे मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण को अपना प्रेमी अपना प्रेसी मानकर भक्ति करती थी, वैसे ही जो स्त्री संत है अडाल वो भी क्या करती थी विष्णु की, वैसे कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार माने जाते, तो ये विष्णु को अपना प्रेमी मानकर अपना जो पति मानकर उसकी क्या करती थी पूजा। अब पहले हम देखते हैं अडाल कौन थी, ये जो एक जो वैष्णव यानी जो अलवार संत थे जिसका नाम था पेरियावलार, पेरिया वलार, तो पेरियावलार की बेटी थी और एकमात्र महिला अलवार संत थी। जो 12 अलवार संत थे उसमें से ये एकमात्र महिला अलवार संत थी। तो ये पिता और पुत्र यानी जो पेरियावलार और जो अडाल है इन्होंने लगभग कितनी की थी, 650, ये काट देते हैं, कितनी 650 कविताओं का एक संग्रह क्या किया था, प्रकाशित किया था। और इसमें जो इस अडाल थी इसका एक हम देखते हैं एक जो कविता है इनकी, वैसे इनका संग्रह था तो उन संग्रह की कविता जो प्रारंभ होती थी यानी इनके जो गीत की जो शुरुआत होती थी उसका नाम था वारुणीय एरम, तो इसमें शुरुआत होती थी, इस गीत से इसकी क्या होती थी शुरुआत, जिसमें एक इसका मतलब होता 1000 हाथियों, तो इस तरीके से इस गीत में शुरुआत होती थी। इस शुरुआत के अंदर जो अपना जो विवाह की ये बात कहती थी कि मेरा विवाह तो
किसके साथ हो चुका है? भगवान श्री रंगम के साथ हो, क्योंकि भगवान श्री रंगम को वो अपना प्रेम ही मानते जी। जो तमिलनाडु के अंदर जो श्री रंगम के अंदर जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो श्री रंगम भगवान जो विष्णु के ही एक अवतार जो विराजते थे, उसको अपना ये प्रेमी यानी प्रेसी मानकर उनकी क्या करती थी पूजा। और वो कहती थी उनको एक ऐसा स्वप्न आता, उस स्वप्न के अंदर उनका जो विवाह होता वो श्री रंगम के साथ हो जाता है। जो इस क्षेत्र के कुछ ब्राह्मण लोग आज भी विवाह के समय इसी जो गीत का क्या करते हैं, गायन करते हैं। आगे अब देखते हैं इसके, तो ठीक है, तो ये किसको? विष्णु को, है ना। तो अगला हम देखते हैं एक और स्त्री भक्ति जिसका नाम था करिकाल अम्यार, यानी ये जो शिव भक्त थी, यानी किसकी पुजारी थी? ये शिव की पुजारी थी, यानी दोनों का ही अलग अलग उदाहरण दे करके कहने का कार्य किया गया था। चाहे नैनार थे चाहे अलवार थे, दोनों ही जो संप्रदायों के अंदर क्या किया गया, स्त्रियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और वो अपनी भक्ति पूजा परंपरा भी कर सकती थी। सबसे पहले ये कौन थी इसके बारे में हम जान लेते हैं और उसके बाद में हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो ये क्या थी, जो कराईकाली जो पुडुचेरी नामक स्थान था जो अपने वर्तमान के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो पुडुचेरी के जो कराईकाल नामक स्थान है वहाँ से ये संबंधित थी। और बचपन का इसका नाम था पुनितवती नाम था और ये शिव को अप्पा यानी अपना पिता कह करके क्या करती थी, संबोधित करती थी। और शिव के एक रूप होता जिसका नाम है विरूपाक्ष। क्या नाम है? शिव का एक रूप है विरूपाक्ष, जो यहाँ दक्षिण के अंदर हम देखते हैं, वहाँ पर इसका बढ़ाई मंदिर भी हमें देखने को। तो शिव के जो विरूपाक्ष रूप है उसकी ये क्या करती थी, पूजा किया करती थी। तो इसने क्या किया वो हम याद देखें, तो इसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाए थे, यानी कठोर तपस्या इसने की। नैनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया, यानी जो बाकी सामाजिक कर्तव्य जो स्त्रियों के माने गए सामान्य थे, उनको घर की चार दीवारी के अंदर रखा गया, उनको जो भी खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ऐसे तरीके के जो सामाजिक कर्तव्य उनसे संबंधित माने गए, तो उन सब का इन्होंने क्या किया, परित्याग कर दिया। वो किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की भी सदस्य मैं, जैसे कि हम बौद्ध और जैन धर्म के अंदर हम देखते हैं कि स्त्रियां क्या करती, घर बार छोड़ देती, सामाजिक कर्तव्यों का त्याग करती, वो भिक्षुणी बन जाती, तो वैसा भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मतलब बीच का जो मध्यम मार्ग उसको अपनाया। इन स्त्रियों के जीवन पद्धतियों और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को भी चुनौती दी, जैसे कि होता कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुत्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो उन्होंने इस आदर्शों को भी चुनौती दी कि भाई जो स्त्रियां हैं वो भी क्या करती हैं, वो महत्वपूर्ण है और वो भी भक्ति प्राप्त कर सकती है, और वो जो पिता के जो कर्तव्य उन कर्तव्यों का आदर्शों का वो अवलंबन कर सकती है। अब अगला हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, वो उदाहरण है शास्त्र या भक्ति के बारे में। ये चंद अपार नामक नैनार संत की रचना है। तो उसमें क्या करते हैं, अपार नामक जो नैनार संत वो क्या करते हैं, हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का, यानी वो कुल और गोत्र पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं। तुम केवल मार पेरू के स्वामी को एकमात्र अपना आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो, यानी उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये मार पेरू के स्वामी कौन है, जो शिव का एक शिव है जो तमिलनाडु के तंजावर जिल्लू के मार पेरू में बसते, जो ऊपर हमने बोला कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि एक निवास स्थान उन्होंने स्थापित किया, भगवान का क्या कर दिया, निवास स्थल के रूप में विकास किया। तो यहाँ इन्होंने मानना था इन संतों का, किसका, अपार आदि जो शिव संत थे उनका मानना था कि भगवान शिव है वो तो क्या है, मार पेरू पर्वत पर बसते हैं। तो उन्होंने लोगों से कहा जो जाति और कुल या गोत्र परंपरा में विश्वास करते थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव तो जो मार पेरू पर रखते उनका तो कोई है ही नहीं, उनका न तो वहाँ जाने के बाद न कोई गोत्र है, नहीं कोई कुल काम आएगा, तुम्हारा गोत्र और कुल तो यहीं रह जाएगा, तो आप उनकी क्या करो, जो प्रेम पूर्वक जो श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करो, नतमस्तक होने का मतलब है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उनकी क्या करो, उनके अंदर आसक्ति रखो और उनकी भक्ति किया करो। अगला हम यहाँ पर देखेंगे भक्ति साहित्य का संकलन। भक्ति साहित्य का संकलन कैसे किया गया वो हम देखेंगे। तो 10वीं शताब्दी तक आते आते बारह अलवार, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो
नल येरा दिव्यम प्रबंध यानी 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार या कोमा करना समंदर और सुंदरार की कविता ये किस नाम से थी, तवरम नाम से संकलन की गई। मतलब तवरम नाम से जो एक ग्रंथ है जिसमें कविताओं का संकलन है, वो किसका, तीन जो संत थे, एक तो अपार, एक समंदर और एक जो सुंदरार थे, इन तीन संतों की क्या है, रचनाओं का संकलन है, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो नल येरा दिव्यम प्रबंधन है वो 12 अलवार संतों का संग्रह, जबकि तवरम वो तीन जो नयनार संत है, अपार, समंदर और सुंदर, उनकी कविताओं का क्या है, हमें संगम जो देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और भी जैसे डिटेल जान सकते हैं। इन जो अपार, समंदर और सुंदरार, इनको तीनों को सम्मिलित रूप से मुवार के नाम से जाना जाता है, यानी इनको तीन सम्मानित संत, थ्री प्रिंसिपल संत ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब इन तीनों के साथ एक संत, जो हम पहले पार्ट के अंदर देखते हैं, जो अध्याय की शुरुआत में आया था, मणिक, जो मणिक वचकार थे, मणिक वचकार, इनको सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्याचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो अपार, समंदर और सुंदरार, उनको किस नाम से जाना जाता है, मुवार यानी तीन सम्मानित संत या थ्री प्रिंसिपल संत ऑफ साउथ इंडिया के नाम से। और जब इन तीनों में यानी मणिक वचकार को शामिल यानी चारों को मिलकर के किस नाम से जाना जाता है, सम्याचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला एक स्रोत यहाँ पर हम देखेंगे, जो ऊपर अभी हमने जो महिला, जो नैनार संत थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, कराईकल अम्यार, तो उसी के बारे में देखेंगे, एक राक्षसी। अब ऐसा क्यों कहा, जब हम इसको पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ये उद्धरण कराईकल अम्यार की कविता से लिया गया, जहाँ वे सव्य वर्णन कर रही है। क्या वर्णन करिए, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत, विसर दशा, उधर लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पीडली की नली जो टखनों तक फैली हुई, वन में विचरते समय सीखना करदन ये अलकंटू का वन, जो हमारे पिता यानी शिव का क्या है, घर है। तो यहाँ इसने शिव का घर यानी निवास स्थान किसको बताया, अलंकटू के वन को बताया है। और वह नृत्य करते हैं, उनके जटाकूट आठों ओर बिखर जाते हैं, जो आठ दिशाएं मानी जाती है, उन आठ दिशाओं में उसके जटाकूश यानी उनके जटाओं के जो बाल हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन उनके क्या है, अंग शांत हैं। अब यहाँ पर आप इसकी मूर्ति देख सकते हो, कराईकल अम्यार की 12वीं शताब्दी की जो ये कांस्य मूर्ति। अब इस मूर्ति को देखते ही आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते होंगे कि आखिर इस तरीके की ये मूर्ति क्यों है। अब ये एक ग्रस्त संत थी, यानी एक विवाहित जो ग्रस्त महिला नैनार संत थी, लेकिन ये शिव की अनन्य भक्त थी। ये कहती है कि ये शरीर भी इसका बहुत अच्छा सा सुंदर शरीर की थी, लेकिन ऐसा शरीर इसका अंकन क्या, तो इसने एक बार क्या था, अब होता है क्या है, एक बार जो इनके पति के जो मित्र थे उन्होंने कुछ दो आम इसको खाने के लिए दिए। अब वो दो आम जब घर लेकर आ रही थी तो ये रास्ते के अंदर क्या था, एक कोई उनको संत मिल गया, जो संत भूखा था, तो उसने इनसे याचना की, तो उन्होंने उसमें से एक आम उस संत को दे दिया और घर एक आम लेकर आई, और जब शाम को खाने के लिए बैठे तो उस एक आम को उन्होंने काट कर जो खाने के लिए परोस दिया। जब उनके पति ने देखा कि भाई दो आम भेजे गए जबकि खाने के अंदर तो एक ही आम आया, तो उनके पति बड़े क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो गए तो कहा जाता है ये शिव की पूजा थी, उन्होंने शिव को याद किया और शिव के तनिल हो गई, तब उनके हाथ में एक बड़ा ही अच्छा और स्वादिष्ट आम आ गया, और जिनको उनके पति आदि ने खाकर देखा तो ऐसा स्वादिष्ट आम तो उन्होंने कभी नहीं खाया था। तो कहा जाता है कि जब इस तरीके की उन्होंने, इनके पति ने इनको पूछा कि ये ऐसा आम वो कहाँ से लाई, तो उन्होंने कहा था ये आम तो भगवान शिव ने दिया। तो उसके बाद उनके पति भी क्या करते हैं, इनको कुछ भी नहीं कहते थे, मतलब उनकी भी भगवान शिव के अंदर क्या हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, और उनको एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया कि भक्ति के बारे में। बाद में उन्होंने वैवाहिक जीवन भी व्यतीत नहीं किया, उनके पति ने एक दूसरी शादी भी कर दी, और इनके मामलों में वो कोई क्या करते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे। और जो ये अम्यार थी, इन्होंने भगवान शिव से बाद में कहकर कह दिया कि उनका शरीर ऐसा बेढंगा बना दिया जाए, यानी ऐसा कुरूप शरीर बना दिया जाए ताकि उनका और किसी का उनमें क्या हो, आकर्षण ही नहीं रहे। तो ऐसा शरीर उन्होंने भगवान शिव से माना था, जिसका यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया, और भगवान शिव ने बाद में कहा जाता इसकी जो इच्छा की पूर्ति करती थी, और इस तरीके का जैसा
आकृति में आप देख रहे हो ऐसा शरीर इसका बना दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो एक शरीर के साथ में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को या शरीर के अंदर जैसे मोह होता है आजकल किसी भी सुंदर स्त्री को देख करके या सुंदर पुरुष को देख करके जो मोह पास होता, उस मोह पास को तोड़ने के लिए इन्होंने अपना शरीर ही क्या कर दिया था, इस टाइप का बना लिया था। अगला हम देखते हैं राज्य के साथ संबंध अब देखेंगे। तो जो ये अलवार और जो नयनार संत होते थे, इनका राज्य के साथ में किस तरीके का संबंध हुआ करता था, क्या इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो इस दृष्टि को हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। जैसा कि हमने अध्याय संख्या 2 जो आपकी पार्ट पहली है, जो एशियंट इंडिया से संबंधित जो आपकी बुक से, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी यानी 1 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है, उसके आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी जिसे हमने दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ा था। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध के अंदर राज्य का उद्भव हुआ एवं उसका विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांडव राज्य जो 6ठी से 9वीं जो शताब्दी ईस्वी में शामिल थे। मतलब क्या था, ये जो सरदारियां थी उसमें से कुछ सरदारियां क्या हो गई, बाद में विकसित हो गई, और विकसित होकर उनका वो विकास किस में हो गया, वो राज्यों में बदल गई, वो राज्यों में कन्वर्ट हो गई। मतलब कुछ सरदारियां इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने राज्यों का क्या कर लिया, रूप ले लिया। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। कौन से, दक्षिण भारत के क्षेत्र के अंदर, विशेषकर दक्षिण के अंदर हम देखें तो दक्षिण भारत के अंदर जैन धर्म का ज्यादा बोलबाला था, और जबकि सुदूरतम दक्षिण और जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर बौद्ध धर्म का ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। और श्रीलंका के अंदर आज भी हम देखते हैं, आज भी श्रीलंका के निवासी अधिकतर क्या है, बौद्ध धर्म को ही फॉलो करने वाले लोग हैं, और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का परिचय प्राप्त था। किनको, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को अधिकतर फलने फूलने का कारण क्या था, उनको राजकीय संरक्षण मिला, और साथ में जो व्यापारी और शिल्पी यानी जो धनी वर्ग के लोग थे उन्होंने इनको क्या किया था, संरक्षण दिया था, इन्हें परिचय दिया था यानी इनको सपोर्ट किया था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान तो यदा यानी दक्षिण काल में कभी कभार ही बौद्ध और जो जैन धर्म थे उनको राजकीय संरक्षण मिलता था, या राज्य की तरफ से इनको अनुदान यानी दान वगैरह मिलता था, बाकी अक्सर नहीं होता। जैसा कि हम उत्तर भारत के अंदर हर्षवर्धन के समय या जो कनिष्क के समय देखते या मौर्य सम्राट अशोक के समय देखते, तो वैसा राजकीय संरक्षण दक्षिण भारत में इनको देखने को नहीं मिलता, और वैसा अनुदान यानी ग्रांट इनको दान की भी ऐसी हमें देखने को नहीं मिलती, कभी कभार ऐसा हो जाता था। एक रोचक बात यह कि तमिल भक्ति जो रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु क्या है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। अब देखो दक्षिण के अंदर जो अलवार और नयनार संत थे तो वो उन धर्मों का उदय भी था, क्योंकि उस समय बौद्ध और जैन धर्म के कारण जो प्राचीन जो धर्म परंपरा थी या जो वैदिक परंपरा थी वो लुप्त हो रही थी, अधिकतर लोगों का उनका आकर्षण बौद्ध और जैन धर्म की ओर रहता, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही इन जो नई जो परंपरा है वो निकलकर सामने आई थी। तो जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म दोनों ही क्या करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, न शिव को मानते थे, न ही विष्णु को मानते थे, न ही अन्य किसी जो देवी के अंदर ये बात जो अपनी आराधना करते थे, तो इसी कारण इन लोगों की जो परंपरा थी उनका क्या किया था, विरोध किया था, यानी जो बौद्ध और जैन धर्म को दबा कर वापस जो शिव और जो विष्णु की जो पूजा परंपरा है उसको क्या करना था, पुनर्स्थापना करनी थी। विरोध का सवर नयनार संतों की रचनाओं में हमें विशेषकर रूप यानी जो शिव के उपासक थे उनमें ज्यादा ही जो हमें कह सकते हैं उग्र तरीके से हमें देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन था, यानी कौन राजा को ज्यादा संरक्षण प्राप्त करेगा, उनसे ज्यादा अनुदान किसको प्राप्त होगा, तो इस तरीके की उनके प्रति प्रतिस्पर्धा थी, और वो राजाओं को क्या करते थे, प्रभावित करने का काम करते थे, यानी अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करने के प्रयत्न में ये लगे रहते थे। ये स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल राज्य जो 9वीं से 16वीं शताब्दी तक आया, विशेषकर ये लोग क्या थे, शिव की पोषक थे, शिव धर्म को यानी जो शिव की पूजा को इन्होंने राजकीय धर्म घोषित कर रखा था। सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपराओं को क्या दिया था, समर्थन दिया था, तथा विष्णु और शिव के जो मंदिर है उनके निर्माण को भी भूमि अनुमति उनका निर्माण करवाया, और उनको भूमि क्या दी, जमीन अनुदान के रूप में उन्होंने दी। जैसे कि हम देखते हैं चोल के काल के अंदर चिदंबरम का, तंजावुर का, गंगेकुंड, ये सब के सब शिव के मंदिर आदि विशाल शिव मंदिरों का क्या किया, निर्माण किया, और उनके लिए उनको निर्माण कर क्या दी, उन्होंने मदद दी। मदद मतलब उन्होंने
जो अनुदान दिया, उनका निर्माण करवाया, बाद में उन मंदिरों का खर्चा वगैरह चलाने के लिए उन्होंने कुछ गांव भी अनुदान में दे दिए। इसी काल में कांसे में ढाली शिव की प्रतिमा यानी उनकी मूर्ति जो ये दिख रही है, अभी मैं इसको पूरा आपको दिखाऊंगा, का भी निर्माण हुआ, जो यानी नटराज रूप में शिव की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों की के लिए क्या बना, प्रेरणा मिला, यानी जब इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया, राजाओं ने शिव के जो अधिकतर मंदिरों का निर्माण करवाया, उनकी मूर्तियों का निर्माण करवाया, तो इससे जो शिल्पी वर्ग भी बड़ा ही प्रभावित हुआ था और शिव मूर्तियों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब नैनार और अलवार संत वेलाल कर सकों, अब देखो वेलाल यानी जो समृद्ध कर सकते उनको हम वेलाल के नाम से जाने, यानी जो धनी थे जिनका उस समय दक्षिण भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, तो ये प्रभावशील जो किसान होते थे। वैसे हम देखते हैं कि जो किसानों के दो वर्ग थे, एक तो जो धनी कर सकते और एक भूमिहीन कर सकते। अब देखो हम क्या था, जो हम देखते हैं कि संगम जो परंपराएँ, संगम परंपरा के अंदर या कह सकते हैं हम संगम काल के अंदर जो दक्षिण का समाज था उसमें हमें चार वर्ग देखने को मिलते हैं। एक वर्ग था असरर, सॉरी अपने इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, असरर या असरार भी कहीं हमें देखने को मिलता अलग अलग बुक्स में अलग, तो ये तो शासक वर्ग था। और दूसरा जो वर्ग था अड़नार, अड़नार किसको कहते थे, जो ब्राह्मण वर्ग था यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको चार वर्ण थे, यहाँ पर संगम काल में चार वर्ण, एक पहला वर्ण तो असरर था, दूसरा वर्ण अड़नार, अड़नार मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, और तीसरा वर्ण था वेनिगर, वेनिगर या कहीं वेगिनर भी हमें लिखने को मिलता है, ये वणिक यानी जो व्यापारी वर्ग थे, और चौथा जो वर्ग था वो था वेलार, वेलार है ना, तो वेलार जो वर्ग था वो ये किसान थे, ठीक है ना, कौन थे, किसान। अब वेलार यानी किसान वर्ग के अंदर दो प्रकार के थे, एक तो वेलाल यानी जो धनी कृषक वर्ग थे, और एक तो जिथे भूमिहीन वर्ग यानी जो दूसरों की जमीन पर क्या करते थे, खेती किया करते थे। और कभी कभी जैसे एक बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसा आ भी गया था कि वेलाल कौन थे, तो वेलाल क्या थे, किसान थे, तो इस चीज को आप थोड़ा सा नोट डाउन करें। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया, क्योंकि वेलाल किसान बड़ी सम्मानित होते थे, किससे, जो नैनार और अलवार संत थे उनके। आज भी हम देखते हैं कि जैसे कर्नाटक के अंदर आप देख सकते हो किसका अधिक प्रभाव है, जो वास्तव यानी पाशुपत संप्रदाय है उसका हम देखते हैं ज़्यादा ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ के विभिन्न जो मठ है उन मठ का शासक वर्गों पर क्या है, बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव है। तो वैसे ही वहाँ के जो अलवार और नैनार संत थे उनका सम्मान कौन करते थे, यानी उनके अनुयायी कौन थे, उनके अनुयायी थे वेलाल जैसे जो कृषक थे, तो उनके वो अधिकतर उनके क्या थे, अनुयायी थे, इनके फॉलोवर्स थे। उदाहरण चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का क्या किया, दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके, जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों से वो क्या थे, सुसज्जित थे। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते तथा गाते थे उनको मूर्त रूप में यानी उनको मंदिरों के रूप में उनको क्या किया, मूर्तियों के रूप में उनको मंदिरों के अंदर स्थापित करके उनको मूर्त रूप प्रदान किया था। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शिव भजनों का गायन इन मंदिरों में क्या किया था, प्रचलित किया था। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक तवरम के रूप में करने का जिम्मा उठाया था, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था अपार समंदर और सुंदरार, तो इन जो तीनों संतों की क्या थी, ये रचना थी, तीनों संतों के जो गीत थे उन गीतों का या उनके भजनों का संकलन था, वो क्या था, तवरम के नाम से जाना जाता था। 945 ईस्वी में एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम है ना, जिसने लोह और रक्त की नीति भी अवलंबन की थी, इसके अलावा इसने जो प्रांतक प्रथम का समय का हमें उत्तर मेरु अभिलेख देखने को मिलता है, जिससे हमें स्थानीय स्वशासन की भी बहुत अच्छी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें इसके एक अभिलेख से उसी से क्या पता चलता है कि संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित की गई, यानी दक्षिण भारत के अंदर एक विशिष्ट परंपरा हमें इन समय में हमें देखने को मिलती है, जब मंदिरों के अंदर देवताओं की मूर्तियों के साथ में संत और कवियों की मूर्तियां स्थापित की गई, उन मूर्तियों की वहां पर पूजा की जाती थी और साथ में जो उन मूर्तियों को, इन संतों की मूर्तियों को उत्सव में जुलूस के समय निकाला जाता था। ये आप देख सकते हैं जो नटराज शिव की प्रतिमा है, जैसे कि आप बाकी संतों के अंदर जैसे बाकी जैसे आप देखते हैं राम और कृष्ण की झांकी निकालते हैं आप, जैसे हम देखते हो जगन्नाथ भगवान की जो जहाँ पर कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की झांकी निकाली जाती है ना जुलूस के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पर जो जो शिव संत थे जैसे अपार समंदर सुंदरार, तो उनकी
जो प्रतिमाएं होती थी उन प्रतिमाओं को भी जुलूसों के अंदर जाना जाता था। जो अगले पार्ट के अंदर अपार, समंदर और सुंदरार, इनके बारे में कुछ और भी जानकारी हम अधिकतर जानने का कार्य करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।